ओलंपिक का आज 13वां दिन है और ये दिन भारत के लिए सुबह से ही खुशखबरी भरा है। आपको बता दें कि बीते दिन भारत के हाथ निराशा हाथ लगी थी, जिसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बेल्जियम से सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। हॉकी टीम गोल्ड और सिल्वर मेडल से जरूर दूर हो गई हो, लेकिन अभी भी ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीदें भारतीय टीम से लगाई जा रही हैं। ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक का ये मुकाबला कल 5 अगस्त को होने जा रहा है, जिससे भारत की कई उम्मीदें जुड़ी हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भारत के लिए 13वां दिन बेहद ही खुशनुमा रहा, जिसमें भारत ने कुश्ती के मैदान में सभी देशों को चित्त कर दिया। आपको बता दें कि रवि दहिया और दीपक पुनिया दोनों ही पहलवानों ने अपनी जगह सेमीफाइनल में बना ली है। दोनों ही खिलाड़ियों ने काबिल-ए-तारीफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि दीपक पुनिया ने चीन के खिलाड़ी को 6-3 से शिकस्त दी, तो वहीं रवि दहिया ने बुल्गारिया के खिलाड़ी को 14-4 से बुरी तरह हराया। दोनों ही खिलाड़ियों ने चीन और बुल्गारिया के खिलाड़ियों को कुश्ती के मैदान में जोरदार पटकी दी है। इसके साथ ही साथ जैवलिन थ्रो में भी भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने बेहतर प्रदर्शन दे अपनी जगह फाइनल में पक्की कर ली है। बता दें कि नीरज चोपड़ा ने क्वालिफिकेशन राउंड में 86.65 मीटर दूर भल्ला फेंक अपनी जगह फाइनल में पक्की की है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि आज महिला हॉकी टीम का सेमीफाइनल मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें भारतीय महिला टीम अर्जेंटीना हॉकी टीम से लड़ेगी और ये हार जीत तय करेगी कि आखिर क्या महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंचकर भारत में इतिहास रच पाती है। तो वहीं आज बॉक्सिंग का सेमीफाइनल राउंड हुआ, जिसमें बॉक्सर लवलीना और तुर्की की खिलाड़ी शामिल रही। दोनों ही खिलाड़ियों ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन लवलीना को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि वर्ल्ड चैंपियन तुर्की की खिलाड़ी ने लवलीना को 5-0 से मात दी। इस हार के बाद लवलीना के हाथ ब्रॉन्ज मेडल आया, जिसने भारत के खाते में एक और मेडल जोड़ दिया है। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ।